जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम है विनीत पांडे और मैं महाराष्ट्र में, मतलब भारत के अंदर महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में। नाला सोपारा इतना समझ जाओ, पूरा लोकेशन नहीं बता सकता। लेकिन दोस्तों, और जैसा कि आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैंने 2022 में फर्स्ट यात्रा की थी मुंबई टू गोवा साइकिल से, 600 किलोमीटर की। उसके बाद मैं अयोध्या राम मंदिर गया था, मुंबई टू अयोध्या पैदल चल के। उसके बाद मैं मुंबई टू केदारनाथ नंगे पाँव चल के गया था फ्रेंड, मुझे इसमें 4 महीने लग गए थे। तो फ्रेंड, सच में मतलब महादेव की भक्ति और राम जी की भक्ति करने में ना जो आनंद आता है ना, वो अलग ही बात है। तो मैं आज आपको बताता हूँ, और इस समय मैं मुंबई में ही हूँ, बॉम्बे में घर पे। अभी देखते, दिसंबर जाएगा, जनवरी में कुछ नया प्लान करेंगे यात्रा का। तो मैं अभी आपको यहाँ दिखाता हूँ मेरा घर कैसा है, और इस समय मैं घर में अकेला हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पे खाना बनाना, बर्तन मांजना, रहना खाना सब मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मम्मी पापा साथ में रहते थे, वो अभी गाँव गए हैं। तो चलिए मैं आपको अपने घर का नज़ारा दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये मेरा घर है, ये आप देख सकते हो। ये मेन दरवाजा है जो कि मैं चौल में रहता हूँ। अभी बाहर मैंने दरवाजा इसलिए बंद कर दिया कि आवाज़ वगैरह ना आ जाए। ये एक दरवाजा है, देख सकते हो, ये एंट्री गेट। ये एक छोटे से घर है, पंखे वगैरह लगे हैं, देख सकते हो। मैंने फ्रेंड वाईफाई भी लगा रखा है, क्योंकि क्या है, वीडियो वगैरह अपलोड करना पड़ता है तो यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाता है, नेटवर्क स्लो रहता है। बाकी अभी देख लीजिए समय क्या हो रहा है, दोपहर के 3 बजने वाले हैं। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देख लो, ये पूरा घर में सामान वगैरह मेरे पड़े। और ये छोटी सी डब्बे वाली, देख रहे हो फ्रेंड्स, एलईडी के ज़माने में मेरे घर में अभी भी डब्बे वाली टीवी यूज़ हो रही है। तो देख, सोच सकते हो फ्रेंड्स, यही एक छोटा सा स्पीकर है जिसमें मैं महाकाल के गाने वगैरह सुनता रहता हूँ। बाकी ये टीवी है, लेकिन ये टीवी भी अभी बंद हो गया, बंद पड़ा है, देख सकते हो। बाकी सब सामान वगैरह रखा है यहाँ पे, देख सकते हो। और ये पूरा घर का कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखिए, यहाँ पे तकिया कंबल वगैरह रखे हैं। और यहाँ पे मेरा बैग है, जो कि मैं ट्रे मतलब यात्रा पे यही वाले बैग लेके जाया करता हूँ। और इसके पीछे एक और बैग है जो मुझे अटल फाउंडेशन के द्वारा मिला था। बाकी यहाँ पे भगवान के फोटोज़ वगैरह लगे, देख सकते हो, बजरंगबली, यहाँ पे लक्ष्मी जी और विष्णु जी। और ये केदारनाथ के भी आप दर्शन कर लो, मैं केदारनाथ गया था तो देखिए ये फ़ोटो लेके आया था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये जुगानी माता है जो कि बॉम्बे में फेमस मंदिर है, और ये मेरे दादा दादी है। और ये पूरा कुछ घर का ऐसा नज़ारा है, देख सकते हो, यहाँ पे कपड़ा वगैरह रखे हैं, एक पंखा लगा है। और ये पूरा कुछ ऐसा नज़ारा है, ये एक्चुअली यहाँ पे डबल माला बना है फ्रेंड्स, यहाँ सीढ़ी भी लगा है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। और कुछ नहीं, पाइप वगैरह रखे हैं, ड्रम वगैरह है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं, देख सकते हो। ये पूरा कुछ ऐसा लुक है। और ये देख लीजिए, ये ऊपर कोट माला है जिसपे छोटे मोटे सामान वगैरह रखे हैं। और ये सामने किचन है, ये देख लीजिए, किचन वगैरह रखे हैं, ये किचन वगैरह, यहाँ पे मसाले तेल वगैरह रखे हैं, यहाँ पे भी डब्बे वगैरह है। ये देखिए सब्जी वगैरह रखी है, नेनुआ मिर्ची वगैरह है, जो भी है, टमाटर। अभी तो सब खाली हो गया, पूरा भराना पड़ेगा क्योंकि मम्मी पापा गाँव चले गए हैं। और ये है नहाने धोने की जगह, आप देख सकते हो। बस यही कुछ ऐसा नज़ारा था। और अभी मुझे खाना वगैरह सब बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये मैंने चना और मूंग लिया था, अभी ये रखा है, इसको खाते हैं। बस यही कुछ ऐसे छोटे से रूम में रहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मैं अपना पूरा रूम दिखा दिया, मैं कुछ कोई बड़े बंगलो या बड़े फ्लैट वगैरह में नहीं रहता हूँ, मैं चौल में ही रहता हूँ। एक बस छोटा सा रूम है, 10 बाई 20 का, उसी में रहता हूँ। इसी में रहना, खाना पीना, सोना, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, जो करना है सब मैं इधर ही करना पड़ता है। और अब तो अकेला हूँ, अकेले में तो एकदम अलग ही, क्या बोले, मतलब ऐसा लगता है कि किसी गुफे में आ गए, एकदम सुनसान लगता है। बस यार फ्रेंड्स, आप अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स सच बोल रहा हूँ, मैंने बचपन से बहुत तकलीफें झेली है, बहुत प्रॉब्लम हुई है, और मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई बचपन से, लेकिन ना वो तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वो वीडियो में बस सुनोगे ना फ्रेंड, सच में बहुत तकलीफें झेली है, अब वो नहीं होता। बस आप लोगों का सपोर्ट और मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बस थोड़े बहुत पैसे, इनकम वीडियो से जनरेट हो जाए, जिससे मैं अपने माता पिता के सब सपने पूरे कर सकूँ जो भी है, और लाइफ में कुछ अच्छा करूँ बस। और मैं गरीबों की मदद भी करना चाहता हूँ, अनाथ आश्रम बनाना चाहता हूँ, फिर इस मतलब गौशाला बनाना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ। बस इसके लिए आप सबकी सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर लिखना यार,
कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाकी मैं मुंबई के अलग अलग जगह के वीडियोस आपको दिखाते रहूँगा, तो वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट करना ज़रूर। जय श्री राम, हर हर महादेव।